जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हम वापस से आ चुके हैं इस रास्ते पे। इस रास्ते के वैसे मैंने वीडियो बनाए हैं अंदर से बहुत सारे, लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ये रास्ता जो है फूलों से सजकर तैयार हो गया है और यही से एंट्री होने वाली है कल जो VIP आने वाले हैं उनके लिए। और यही जो मेन गेट है रामपथ से श्री राम जन्मभूमि पथ जिसको बोलते हैं, उसको पूरा जो है फूलों से सजा दिया गया है और पूरा जो पथ है वो फूलों से सुसज्जित हो चुका है। किस तरह से यहाँ पे तैयारियां चल रही है, किस तरह से इसको सजाकर तैयार कर दिया गया है वो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और किस तरह से यहाँ पे पूरा जश्न का माहौल है, रात के अभी 12 बजने जा रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे पूरा जश्न का माहौल है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और किस तरह से लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं वो सारा कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साइड में बेल आइकन भी आ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जो नए वीडियो आने वाले हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से इस पूरे प्रांगण को जो है वो सजाया गया है। यहाँ पर जो है दो एंट्री गेट है और यहाँ पर फूलों से खूबसूरत तरीके से लिखा गया है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हुए सभी भक्तों का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट हार्दिक स्वागत करती है। तो ये कुछ इस तरह से पूरा जो है यहाँ पर महोत्सव का जो है इंतजाम कर रखा है कि इस तरह से पूरा जो है एंट्री गेट को सजा रखा गया। चलो अभी हम आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाते हैं कि कैसा क्या यहाँ का पूरा माहौल है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये जो पथ आप देख पा रहे हो ये राम पथ है और राम पथ को भी बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया है। और अभी मैं आ गया हूँ एंट्री गेट पे, यहाँ पे ये एंट्री गेट बनाया गया है और कुछ इस तरह से देख सकते हो एंट्री गेट को भी जो है सजाया गया है। मैं सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊं, उससे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से चारों तरफ जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर रात के जो है करीब 11 बजे के करीब जो है आए हुए है। यहाँ पर अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से एंट्री गेट जो है वो उसको जो है सजाकर तैयार कर दिया गया। एंट्री गेट फिलहाल कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर फूलों के माध्यम से एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो गेट है मेन गेट उसको भी सजाकर तैयार कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हुए सभी भक्तों का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट स्वागत करता है। कुछ इस तरह से अगर आप देखो तो ये जो है यहाँ पर तैयारियां हो चुकी है, फूलों से इस पूरे पथ को सजाया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह से पूरा जो क्षेत्र है ये वाला या फिर ये जो हिस्सा है राम पथ जिसको बोलते हैं राम जन्मभूमि पथ बोलते हैं उसको जो सजा कर तैयार कर दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखो मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो यहाँ पर हीटर भी लगा हुआ है और सर्दी में जो है आग तापने के लिए हीटर भी जगह जगह पर लगाए गए हैं। और ये जो है मेन रास्ता अगर आप देखो तो कुछ इस तरह से सज कर तैयार हो गया है। पीछे लोग जो है ढोल तालियां बजाकर जो है हंसी उल्लास के साथ में जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो कितने सारे जो है फूलों से ये रास्ते को जो है सजाया गया है और किस तरह से फूलों के माध्यम से ये सारा कुछ लिखा गया है आप देख ही सकते ही हो। और यहाँ पे अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से यहाँ का नज़ारा है, कितने सारे लोग जो है यहाँ पर नाच रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं नाच कर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से सारे भक्त जो है राममय हो चुके हैं, भगवानमय जो है पूरी अयोध्या हो चुकी है और इस पूरे गेट को जो है फूलों से सजा दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर जो एंट्री गेट है उसको भी जो है सजा कर तैयार कर दिया गया है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है यहाँ पर ये जो गेट है इसको भी सजाया गया है। ये भी गेट जो है उस समय कंप्लीट होने में लगा था, कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है इस एंट्री गेट के अंदर भी जो है पूरे जो रास्ता है उसको फूलों से सजाया गया है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर डाल दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। और यहाँ पर अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से जो है एंट्री गेट जो है वो बना हुआ है और ये देखो ये जो है रास्ते को जो है वो ब्लॉक कर रखा गया है क्योंकि यहाँ से आप अंदर नहीं जा सकते हो। और यहाँ पर कितने खूबसूरत तरीके से जो है इस रास्ते को सजाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आए हुए सभी भक्तों का जो है हार्दिक स्वागत करता हुआ इस बोर्ड में लिखा गया है फूलों के माध्यम से। और मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर दो स्क्रीन लगी हुई है, एक इधर लगी हुई है एक इधर पर लगी हुई है जहाँ पर रामायण वगैरह जो है सारा कुछ चलता रहता है। यहाँ पर रामायण भी चला करती है और सारा कुछ जो है होता रहता है। और यहाँ पर अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से जो है अभी यहाँ पे बैरियर लगा रखा गया है, पूरे रास्ते को जो है वो ब्लॉक करके रखा गया है। और ये अगर आपको मैं एक बार और दिखाऊं पथ तो पथ के अंदर आप देखो ये मैंने जो है इस रोड का वीडियो बना के आप लोगों को दिखाया है। ये श्री राम जन्मभूमि पथ है और ये जो है फूलों से सजाया गया है इन दीवारों को। मैंने ऑलरेडी वीडियो जो है एक दिन पहले ही बना लिया था और वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर जो है चैनल पर देख लीजिएगा।
अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह से सारे भक्त राम की मस्ती में डूबे हुए हैं और इस तरह से जो है यहाँ पर भंगड़ा जो है वो चलने में लगा है और सभी राम भक्त जो है वो सभी जश्न में डूबे हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो ये पूरा जो है माहौल अभी यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि इस तरह से जो है चारों तरफ जो है काफी सारे लोग जो है यहाँ पर हैं और सामने ये जो है रास्ता है श्री राम जन्मभूमि पथ बोलते हैं इसको। और यहाँ पर काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी लगी हुई है और यहाँ पर अगर आप देखो ये पूरे रास्ते को जो है वो ब्लॉक कर रखा गया है अभी। और अंदर का वीडियो मैंने बना रखा है, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। और ये अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से पूरा रास्ता जो है जिसको सजाकर तैयार कर दिया गया है। और अंदर जो है मैं आप लोगों को 23 तारीख को फिर से लेके जाऊंगा और आप लोगों को दिखाने की दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है पूरा माहौल है, किस तरह से मंदिर बन गया है। और शायद कैमरा वगैरह तो अंदर मंदिर पे अलाउ नहीं रहेगा, लेकिन जितना हो सकेगा आगे आने वाले वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मैं लगातार यहीं पर बना हुआ हूँ और आप लोगों को सारा कुछ जो है वो दिखाने में लगा हुआ हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखो ये जो है इस तरह से भक्त जो है वो सारे भक्ति में डूबे हुए हैं और इस तरह से सारे जो है मस्ती में डूबे हुए हैं। श्री राम आने वाले हैं तो उसकी खुशी में आज ही रात से सारे भक्त देख सकते हो डूबे हुए हैं, सारा जो है अयोध्या राममय हो चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से पूरा माहौल अभी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, ये आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से पूरा माहौल है अभी यहाँ का। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये पूरा माहौल है, सभी भक्त जो है वो भक्ति में डूबे हुए हैं और इस तरह से पूरा जो रास्ता है वो सजकर तैयार हो गया है। लगातार मैं आप लोगों को सारा कुछ जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कितने सारे भक्ति लोग जो है वो मस्ती में डूबे हुए हैं और पूरा अयोध्या राममय हो चुका है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर दिखाऊँ तो कुछ इस तरह से जो है पूरे पथ का रास्ता जो है वो बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर अगर आप देखो ये जो है सामने का एंट्री गेट है इसको भी जो है यहाँ पर सजा कर तैयार कर दिया गया है। और अंदर का मैंने आप लोगों को वीडियो दिखाई दिया है किस तरह से पूरा रास्ता सजा हुआ है और किस तरह से पूरा जो है रास्ते के किनारे टाइल्स लगा हुआ है और पूरे रास्ते को जो है फूलों से सजा दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखो ये पूरा जो है अयोध्या पूरा राममय हो चुका है और पूरा अयोध्या को जो है भगवानमय कर दिया गया है। और यहाँ पर अगर लगातार आप देखो लगातार भक्त जो है वो मस्ती में डूबे हुए हैं। रात के अभी 12 बजने वाले हैं और 22 जनवरी जो है वो लगने वाली है। तो 22 जनवरी को जिस दिन का सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था तो सभी भक्त जो है वो मस्ती में डूबे हुए हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हो कितने सारे भक्त लोग जो है यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं और कुछ इस तरह से पूरे अयोध्या में इस तरह से खुशहाली का माहौल है। और यहाँ पर अगर सामने देखो तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर इंडिकेट जो है सजाया गया है। और मैंने आप लोगों को ज्यादा चीजें जो है वो दिखाई दी है, बाकी आप लोगों को वीडियो देखकर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अभी हमने आप लोगों को यहाँ पे कैसी क्या तैयारियां चल रही है, किस तरह से यहाँ पे पूरा माहौल है, किस तरह से पूरे इस पथ को सजाया गया है और किस तरह से ये पूरा एंट्री गेट बनाया गया है जो मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पे किस तरह भक्त जो है वो श्री राम जी के आने की खुशी में रात में अभी 12 बजने जा ही रहे हैं और खुशी के साथ जो है उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज रात के बाद यानी कि 22 तारीख लग जाएगी तो 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो उसकी तैयारी में जो है इतना खुश है, इतना खुशी का माहौल है। यहाँ रात में लोग जो है जग कर एकदम आनंद से पूरे मग्न है, भांगड़ा चल रहा है, डांस हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। और आप लोगों को आवाज थोड़ी बहुत आ ही रही होगी, बाकी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि किस तरह से यहाँ पे पूरी जो है तैयारियां हो चुकी है और कैसा क्या सब कुछ देखने को मिल रहा है। वीडियो आप लोगों को देखकर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है कर लीजिए। ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय जवाहर, अपना ख्याल रखिएगा।